नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा सातवीं में इकाई का नाम है सच्चा हीरा। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर इकाई का नाम सच्चा हीरा ही क्यों दिया गया है तो इसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुत कहानी जो है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया जाता है, दिया गया है। अच्छा ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति में ज्ञान के साथ साथ अच्छा कर्म भी होना चाहिए। कर्म अगर हम पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर अच्छे गुण न हो, अच्छे संस्कार न हो, कर्म का भाव न हो, तो वह अभ्यास निरर्थक है। उसी प्रकार यह इकाई में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि अच्छा ज्ञान के साथ साथ अच्छी बातें भी हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें अगर हमारे आचरण में नहीं होता, आचरण में न होना मतलब कि हम पढ़े लिखे तो अच्छी बातें तो हमारे अंदर होती है, लेकिन अगर हम उसको हमारे जीवन में अगर नहीं उतारते तो वह सब कुछ निरर्थक है। यह बात हमें यह इकाई के द्वारा सीखने को मिलती है। इस बात को रोचक तरीके से हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो कुछ कहानी इस तरह की है कि गांव की कुछ स्त्रियाँ होती है, वह अपने बेटों के बारे में जब बात करती है तो तीन स्त्रियाँ जो होती है वह अपने बेटों के बारे में बात करती है, उनके गुणों के बारे में बात करती है। तो वह पढ़े लिखे तो होते हैं, तीनों स्त्री अपने बेटों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनमें गुण या संस्कार दिखाई देते नहीं। उसके साथ ही एक चौथी स्त्री जो होती है, वह उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें गुण और संस्कार कुट कुट कर भरे हुए होते। तो इस प्रकार यह कहानी द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ पढ़े लिखे होना ही काफी नहीं है, पढ़ने लिखने के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ हमारे संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, अच्छी बातें भी होनी चाहिए। अगर अच्छी बातें नहीं होती हमारे अंदर तो अगर हम उन अच्छी बातों को आचरण में नहीं रखते, हमारे अंदर नहीं उतारते, तो वह सब बेकार या निरर्थक है। तो यह बात हमें इस इकाई के द्वारा सीखनी। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने नींद की ओर जा रहे थे। आप तो जानते हैं कि यह दृश्य जो है गांव का लिया गया है। गांव में आप जानते हैं, गांव हो या शहर, तो आप पक्षियों को तो आपने देखा है कि सुबह उठकर अपने घोंसले को छोड़ देते हैं और आकाश की सैर करने लगते हैं। सुबह उठकर वह सैर करने के लिए चले जाते हैं और सूर्यास्त के समय वापस अपने नीड़ यानी कि घोंसला, तो घोंसले में आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ गांव का दृश्य दिया गया है कि सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए यानी कि अपनी आवाज में बोलते होते वह अपनी नीड़ यानी कि घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव का दृश्य है, गांव की स्त्रियां क्या करती है कि सुबह उठकर अपना सारा काम जो होता है वह पूरी तरह से खत्म करके शाम के समय वह पानी लेकर, अभी तो हमारे घर घर में पानी की व्यवस्था सभी के घरों में हो गई है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, पानी की व्यवस्था बहुत ही कम दिखाई देने को मिलती थी। तो इसीलिए गांव की स्त्रियां थी वह क्या करती थी, गांव का जो कुआं होता है वहां पर जाकर पानी लाती है और फिर उसका काम करती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिया गया है कि गांव की कुछ स्त्रियां, दो तीन स्त्रियां जो थी वह इकट्ठी होकर अपना घड़ा लेके पानी भरने के लिए गांव के कुएं के पास जाती है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई। गांव के कुएं पर जो कुछ स्त्रियां जो थी पानी भरने के लिए गई थी,
लेकिन उनमें से जो कुछ स्त्रियां थी वह अपना पानी भरकर घड़े में लेकर अपने घर की ओर लौट गई। परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ स्त्रियां थी वह पानी भरकर चली गई, लेकिन उनमें से चार जो स्त्रियां थी वह जो साथ में आई हुई थी थोड़ी देर के लिए वह कुएं की पक्की जो जगत यानी कि चबूतरा जो होता है कुएं के आसपास जो गोल बनाया हुआ होता है उसे जगत कहते हैं, जहाँ पर हम घड़ा रखकर पानी कुएं में से पानी खींचकर घड़ा वहाँ पर रखा जाता है और हम पानी भर सकते हैं। तो उसमें वही जगह पर वह चारों स्त्रियां अपना घड़ा लेकर पानी भरकर उस कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई, शांति से अपना कामकाज करके आई होगी। तो थोड़ी देर के लिए वैसे स्त्रियों की जो आदतें होती है कि दो तीन स्त्रियों अगर जो इकट्ठी हो जाए तो वह इधर उधर की बातें करने लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दो तीन स्त्रियां यानी कि जो चार स्त्रियां आई हुई थी पानी भरने के लिए वह अपना पानी भरकर कुएं में से पानी भरकर कुएं की पक्की जगत पर बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। अब देखिए कि एक बात निकली, उसके बाद बात पर बात बढ़ती गई और अब बात अपने अपने बेटों पर आ गई, बेटों पर जा पहुंची। जब कोई भी मांग तो जब अपने बेटों की बात आती है तो वो कोई अपने बेटे की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटती। जब स्त्रियां एक दूसरे के बेटों के बारे में बात करती है तो उन्हें अच्छा लगता है, अपने परिवार के बारे में बात करती है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार यह स्त्रियां भी बात करते करते बात अपने बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, जो चार स्त्रियां थी उनमें से एक स्त्री जो थी उसकी उम्र बड़ी लग रही थी यानी कि बड़ी उम्र की स्त्री थी। उसने बात की शुरुआत अपने बेटे की बात की शुरुआत की। जब बात बेटों पर आ गई तो वह जो बड़ी उम्र वाली स्त्री थी ना उसने अपने वह कहने लगी उन तीनों स्त्रियों से। उसने क्या कहा अपने बेटों के बारे में कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। देखिए यह जो बड़ी उम्र वाली स्त्री थी ना वह उन तीनों स्त्रियों से अपने बेटे के बारे में कहने लगी, उसने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की। क्या कहा कि भगवान सबको मेरा बेटा दे, जैसा मेरा बेटा है वैसा बेटा सबको दे। अब आप जानते होंगे कि उसका बेटा कितना काबिल होगा, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। कोई भी माँ हो अपने बेटे की तारीफ करने में कभी पीछे हटती नहीं है, तारीफ पे तारीफ किए ही जाती है। वह उन स्त्रियों से कहने लगी कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कण बहुत ही मधुर है। आप तो जानते हैं कि मनुष्य में कोई ना कोई गुण तो होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है या कोई अन्य चीज में भी अच्छा हो सकता है। तो उसी प्रकार पहले नंबर की यह स्त्री थी उसका बेटा यह उसका कंठ बहुत ही मधुर था, वह गाने में बहुत ही मधुर गाता था। उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे, मेरा बेटा तो लाखों में है। यह पहले नंबर की स्त्री बोलती है और उसका कंठ तो इतना मधुर है वह बहुत ही अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाए। देखिए उस स्त्री ने यानी कि पहले नंबर की स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इस और की कि तीनों स्त्रियों उनके यानी कि प्रथम नंबर के बेटे की प्रशंसा सुनती ही रही। उसने आगे कहा कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा गाता है कि उसका गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते। अब आप देखिए कि पक्षियों में आप देख सकते हैं कि कोयल की जो आवाज़ है बहुत ही मधुर होती है, वह यानी कि वह बोलती है या गाती है तो हमें सुनना अच्छा लगता है।
तो उस प्रथम स्त्री ने, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कोयल और मैना के साथ, यानी कि अच्छा गाने वाला पक्षी के साथ की। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसने क्या कहा कि मेरा बेटा जब गाता है तो लोग चाव, चाव यानी कि प्रबल इच्छा, लगन, अगर हमें नहीं सुनना हो तो भी कोई अच्छा गाता है तो हमें सुनने की इच्छा हो जाती है। तो वह कहने लगी कि जब भी मेरा बेटा गाता है, इतना मधुर गाता है, तो लोग बड़े चाव यानी कि बड़े प्रेम से उसका गीत सुनने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रथम नंबर की पहली स्त्री जो थी, उसने अपने बेटे की प्रशंसा बहुत ही अच्छी तरह से उन तीनों स्त्रियों को सुनाई। अब जब बात बेटों पर आनी पहुंची थी तो फिर स्त्रियों की बात में, तो यहाँ पर पहले नंबर की जो स्त्री थी उसने अपने बेटे की प्रशंसा की, तो फिर दूसरे नंबर की स्त्री जो है उसे भी लगा कि मुझे भी अपने बेटे की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने अपने बेटे की प्रशंसा की तो मैं क्यों अपने बेटे के बारे में कुछ इन स्त्रियों से न कहूँ। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। जब पहले नंबर की स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी नंबर स्त्री को भी हुआ कि मुझे भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहिए, मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है। उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। देखिए पहली स्त्री ने क्या कहा था कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है। यानी कि पहली नंबर की जो स्त्री थी उसका बेटा, वह उसका कंठ मधुर था, लोग उसका गीत बड़े चाव से सुनते थे। और दूसरी नंबर की जो स्त्री थी उसका बेटा, यानी कि उसने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई सामर्थ्य में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई चित्र में अच्छा होता है, हर एक में अलग अलग गुण हमें दिखाई देने पड़ते। उसी प्रकार दूसरी नंबर की जो स्त्री थी उसका जो बेटा था वह उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था, शरीर में वह बहुत ही स्वस्थ था, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। दूसरे नंबर की स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। यानी कि मेरे बेटे के आगे अगर बड़े बड़े बहादुर भी आ जाए तो भी उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकते थे। जब दूसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में प्रशंसा कर रही थी तो तीनों स्त्रियों बड़े ही शांति से उसकी बात सुन रहे थे। वह आधुनिक युग का भीम है। उसने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है। यह जब दूसरे नंबर की स्त्री ने इतनी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की तो तीसरी स्त्री का भी मन हुआ। वैसे भी आप जानते हैं कि जब एक बात करता है, एक व्यक्ति अगर बात करता है तो उसकी बात सुनकर हमें भी इच्छा हो ही जाती है कि हम भी कुछ अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने बेटे के बारे में उन लोगों से बताएं। ऐसा ही हुआ। और यह तो स्त्रियों की बात थी। प्रथम नंबर की स्त्री ने, पहली नंबर की स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, अपने परिवार के बारे में बताया। दूसरी नंबर की जो स्त्री थी उसको सुनकर दूसरी नंबर की स्त्री जो थी उसे भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने बेटे के बारे में बताऊं। तो उसने भी अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन तीनों स्त्रियों से कहा कि उसके बेटे में जो भी गुण थी कि मेरा बेटा तो, यानी कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह तो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। तो उसने अपने बेटे की बराबरी भीम के साथ ही, यानी कि वह तो आधुनिक युग का भीम है। तो इस प्रकार उसने अपने बेटे की
शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। अब जब पहली नंबर स्त्री पहली नंबर की जो स्त्री थी और दूसरी नंबर की जो स्त्री थी उसने जब अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की तो तीसरी स्त्री का भी मन हुआ कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं। यह सारी स्त्रियां अपने अपने बेटे के बारे में कह रही हैं तो मैं भला कैसे चुप रह सकती हूँ, मुझे भी अपने मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है, मुझे भी अपने बेटे के बारे में स्त्रियों से बताना चाहिए। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रह सकती है, यह सारी बात सुनकर तीसरी स्त्री से भी चुप रहा नहीं गया। उससे भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताऊं। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। देखिए एक के बाद एक जो स्त्रिया थी वह अपने बेटे के बारे में अपने बेटे के गुणों के बारे में इस तरह प्रशंसा कर रही है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का, साक्षात यानी कि जो बिल्कुल यानी कि साक्षात यही मेरा बेटा जो है बृहस्पति देव के देवों के गुरु उसका अवतार है, वह जो भी कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता। देखिए प्रथम नंबर यानी पहली स्त्री था उसका बेटा मधुर होता था, दूसरा नंबर की जो स्त्री थी वह शक्ति और सामर्थ्य में बलवान था और तीसरी जो स्त्री थी उसका बेटा वह बृहस्पति का अवतार यानी कि देवों के गुरु जो थे, यानी कहने का मतलब कि एक बार जो कुछ पढ़ता था वह उसे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जो भी कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। तो ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आप तो जानते हैं कि सरस्वती देवी वह विद्या की देवी, तो जिसके पास विद्या की देवी का निवास हो वह उसको दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह बालक जो था तीसरी स्त्री का जो बालक था वह बिल्कुल एकदम बृहस्पति का अवतार था, उसे एक बार जो पढ़ता था वह दूसरी बार उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, एक ही बार में उसे बहुत याद रह जाता था, पर एकदम याद कर लेता था, पर उसके कंठ में तो मानो सरस्वती का निवास है। तो इस प्रकार पहली नंबर की स्त्री की, दूसरे नंबर की स्त्री, तीसरे नंबर की स्त्री यानी कि जो चबूतरे के पास यानी कि कुएं के जगत के पास बैठी हुई जो स्त्रियां पानी भरने के लिए आई थी ना, वह स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। तो तीसरे नंबर की जो स्त्री थी उसने भी बहुत अच्छी तरह से उसके बेटे में जो भी गुण थे जो भी संस्कार थे वह बहुत अच्छी तरह से उन तीनों स्त्रियों के सामने रखे। अब हुआ क्या कि स्त्रियां चार थी तो तीनों स्त्रियों ने तो अपने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कुछ कहा, तीनों स्त्री औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही थी। अब प्रश्न यही है कि क्या चौथी स्त्री के बेटे में कोई गुण या संस्कार नहीं होगी जो बिल्कुल ही चुपचाप बैठी रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। चौथी स्त्री बिल्कुल उन तीन स्त्रियों की बातें सुन रही थी, ध्यान से तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे के बारे में जो भी कहा वह बातें सुन रही थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। क्या हुआ कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा, बिल्कुल कुछ बोली भी नहीं, कि तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे के बारे में कुछ न कुछ कहा तो चौथी स्त्री को भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहिए। तो यह तो ऐसा हुआ कि उसके बेटे में अगर कोई संस्कार न होगी कोई गुण न होगी या ऐसा होगा कि वह अपने बेटे के बारे में कुछ कहना ना चाहती, तो उस प्रकार वह बिल्कुल चुप रही। इतने में पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ कि तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कुछ कहा तो पहली स्त्री से रहा नहीं गया, पहली स्त्री ने उस चौथी स्त्री को टोका यानी कि उसे कहा कि क्यों बहन
तुम क्यों चुप हो? पहली स्त्री ने क्या कहा कि बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। पहली स्त्री ने बहुत ही सहजता से टोकते हुए चौथी स्त्री से कहा कि तुम क्यों चुप रहती हो, हम सभी ने अपने अपने बेटों के बारे में जो भी गुण थे वह हमने बताए, तो तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ ना, तुम क्यों चुप बैठे हो। लेकिन विद्यार्थी मित्र, खास तो यह बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी बात हो, कोई गुण हो, संस्कार हो, कई ऐसे लोग होते हैं जो कहकर बताते हैं, यानी अपनी बात कहकर हमारे सामने बताते हैं, लेकिन समाज देश में कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कहे भी कुछ कह जाते हैं, बिना कहे भी उनका जो व्यक्तित्व होता है वह हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, तीनों स्त्रियों ने तो कहकर अपने बेटे के बारे में, उनके गुणों के बारे में हमें बताया, लेकिन चौथी स्त्री का जो बेटा था वह कुछ कहे बिना ही उसका व्यक्तित्व उसे देखकर पता चल गया। तो इसी प्रकार चौथी स्त्री के गुण में यह गुण थी, चौथी स्त्री का बेटा जो था उसमें यह गुण। पहली स्त्री ने जब उसे कहा कि तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्वसा गायक है, न भीमसा बलवान है, पर न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। देखिए चौथी स्त्री ने बहुत ही सहजता से तीनों स्त्रियों से कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं, क्या कहूं, मेरे बेटे में तो वह न तो गंधर्व सा गायक है, न उसका कंठ मधुर है, न ही वह भीमसा बलवान है, यानी कि न वह शक्ति सामर्थ्य में है, पर न ही वह बृहस्पति सा बुद्धिमान है, न वही बुद्धिमान है जो कुछ पढ़ता है उसे याद रहता है। यह तीनों गुणों में से मेरे बेटे में तो एक भी गुण नहीं, तो मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ। अब जब इतना उत्तर दिया तीनों स्त्रियों, यानी कि चारों स्त्रियों, अब समय बहुत हो गया था, घर जाने का समय हो गया था, इतनी बात समाप्त करके जब कुछ समय बाद जब वे सब खड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, अब उन लोगों की बातें जब समाप्त हो गई तो अपना अपना घड़ा पानी भरकर सिर पर रखा और अपने अपने घर की ओर चली जाती थी और बातें करते करते चली जाती थी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। देखिए कुएं में से पानी भरकर यह चारों स्त्रियां जो थी वह बातें करके अपनी बातें समाप्त करके जब समय अब घर जाने का समय हो गया तो वह बातें करते करते चली जाती थी अपना घड़ा सिर पर रखकर। तभी एक मधुर स्वर सुनाई, स्वर यानी कि आवाज, आप तो जानते ही कि यह मधुर स्वर किसका होगा, बहुत ही मधुर कोई गा रहा था, मधुर आवाज सुनाई गई, सुनकर पहली स्त्री बोल उठी। देखिए आप तो जानते हैं कि पहली स्त्री का जो बेटा था उसका कंठ बहुत ही मधुर था। अब पहली स्त्री ने तो अपने बेटे की प्रशंसा की ही थी, अब तो उसका कंठ भी सुनाई दिया। पहली स्त्री यह मधुर स्वर सुनकर एकदम बोल उठी उन तीनों स्त्रियों से, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। क्या कहा उस स्त्री ने, उन तीनों स्त्रियों से कहा कि आपने सुना, मैंने गलत नहीं कहा था कि मेरा बेटा बहुत ही मधुर गाता है, उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, ऐसा मैंने गलत नहीं कहा था, आपने सुना कि कितना अच्छा मेरा हीरा गा रहा है। ऐसे अपने अपने बेटों को उपनाम देकर प्रशंसा ही कर रही थी पहली स्त्री कि मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, यानी कि आप लोगों ने सुना कि उसका कंठ कितना मधुर है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। लेकिन हुआ क्या,
वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए कि हुआ क्या, माँ ने तो बहुत ही अपने बेटे की प्रशंसा की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफी नहीं होता, पढ़ने लिखने के साथ साथ हमारे अंदर गुण संस्कार अच्छी बातें भी होनी चाहिए। यह पहले नंबर की जो स्त्री थी उसमें गुण था, अच्छा गाने का गुण था, लेकिन उसमें संस्कार बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो अपनी माँ से, यानी कि अगर माँ सामने आती होती तो हम उसे बातें करते या उसके सिर पर से घड़ा ले लेते या उसका भार हल्का करने का प्रयत्न करते, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो क्या किया, बस अपनी धुन में मधुर गीत गाता हुआ अपनी माँ के पास से चला गया, लेकिन बिल्कुल उसकी माँ की ओर देखा भी नहीं, यानी कि अपने रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आते दिखाई दिया। दूसरी स्त्री का बेटा भी सामने से, यानी कि यह स्त्री जब घर जा रही थी तो रास्ते में पहली स्त्री का बेटा तो अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना बिल्कुल ही निकल गया, बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं। उसी प्रकार दूसरा नंबर की जो स्त्री थी उसका बेटा भी सामने से आते दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने जिस प्रकार पहली स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की कि मेरा हीरा गा रहा है, उसी प्रकार दूसरी स्त्री भी गर्व से बोली। क्या कहा उसने अपने बेटे के बारे में, देखो वह मेरा लाडिया आ रहा है। आप देखिए कि मातृत्व जो होता है, माँ जो होती है, वह अपने बेटे के किस प्रकार उपनाम या उसकी तुलना कैसे करती है, उसके मुंह से कितने प्यारे शब्द निकलते हैं कि वह पहली स्त्री ने अपने बेटे से कहा कि मेरा हीरा गा रहा है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे से आते हुए अपना बेटा जब आ रहा था तो उसने कहा कि वह मेरा लाडला आ रहा है। तो उसी प्रकार इस प्रकार अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए जब उसने गर्व से कहा कि मेरा लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में तो इसकी बराबरी कौन कर सकता है। उसे देखकर ही पता चल जाता है कि शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी स्त्री का जो बेटा था वह स्वस्थ और तंदुरुस्त ही, उसको देखने से ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। उसे देखकर तीनों स्त्रियों ने भी कहा कि इसकी बराबरी तो शक्ति और सामर्थ्य में कोई नहीं कर सकता, आपने सही कहा था। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना वहां से निकल गया। देखिए पहले नंबर की स्त्री था, पहले नंबर की जो स्त्री थी उसके बेटे ने भी यही किया। उसने, यानी माँ ने बहुत सारी प्रशंसा की, अपने बेटे के गुणों के बारे में बताया, लेकिन वह जो तीनों स्त्रियों के जो लड़के थे उसमें गुण, यानी कि इस प्रकार के गुण थे, लेकिन यह पर वह अभ्यास में भी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर संस्कार दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने, यह दूसरी नंबर की जो स्त्री थी उसका बेटा भी बिल्कुल अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना अपने माँ के पास से निकल गया, बिल्कुल भी बोला ही नहीं। आगे वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। देखिए कि तीसरी स्त्री का जो बेटा था वह बृहस्पति का अवतार था, और बृहस्पति का अवतार यानी कि देवों के गुरु, तो उसे बहुत ही याद रह जाता था। एक ही बार में जो पढ़ता था वह उसे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वह एकदम से याद कर लेता था। कुछ दूर चले होंगे और एकाएक वह सामने से, तीसरी जो स्त्री थी उसका बेटा भी सामने से आता दिखाई दिया। तीसरा नंबर की जो स्त्री थी वह अपने बेटे के बारे में कह रही थी, वह सामने से जब बेटा आ रहा था तो संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता करता हुआ
वह सामने से आ रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान विराजमान यानी कि कंठ में सरस्वती का निवास होना। तो सरस्वती यानी कि विद्या की देवी और जिसके पास विद्या की देवी का निवास हो उसे कहीं कठिनाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरी स्त्री का जो बेटा था वह संस्कृत के पाठों का श्लोक करते हुए उच्चारण करते हुए ऐसे आ रहा था जैसे कि साक्षात सरस्वती विराजमान हो उसके कंठ में। एकदम याद करता हुआ चला जा रहा था। अपने बेटे को देखकर माँ गदगद हो गई और उसने उन तीनों स्त्रियों से कहा गदगद स्वर में यानी कि बहुत ही गर्व और करुण स्वर में उसने अपने बेटे के बारे में कहा कि देखो देखो यही है मेरा गोद का हीरा। क्या कहा? गोद का हीरा यानी कि प्यारा बेटा। देखिए कि तीनों स्त्रियों ने तीनों माओं ने अपने बेटे के बारे में किस प्रकार तुलना की। तो यह तीसरा नंबर की जो स्त्री थी उसने अपने बेटे के बारे में कहा कि गदगद स्वर में कहा कि यही मेरा गोद का हीरा हीरा यानी कि नर रत्न अच्छा आदमी। तो इस प्रकार अपने बेटे की प्रशंसा कर कि इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। क्या कहा उसने अपने बेटे के बारे में कि इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। बृहस्पति का अवतार यानी कि देवों के गुरु उसे कौन न कर सकता है। साक्षात यह उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। देखिए बिल्कुल भी ज्ञान होने के बावजूद भी उन तीनों लड़कों में बिल्कुल यह ज्ञान आचरण में उन लोगों ने आचरण में बिल्कुल नहीं था। उन ज्ञान का उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल ही उनमें संस्कार नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरी स्त्री का जो बेटा था वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। तीनों स्त्रियों के बेटे ने तो अपनी अपना अपना रास्ता पकड़ लिया अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान दिए बिना। लेकिन जब माँ को आने में देर हो जाती है तो हमेशा बच्चा जो होता है वह चिंता में लगा रहता है कि माँ कब आएगी घर से। तो उसी प्रकार चौथा नंबर की स्त्री जो थी उसका बेटा भी कुछ ऐसा ही था। उसे अपनी माँ की बहुत ही परवाह थी। माँ को आने में इतनी देर क्यों हो गई वह सोचता हुआ वह अपनी माँ के सामने आ रहा था। तो उसने वह अभी थोड़ी ही दूर यानी कि जो स्त्रियां थी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक चौथी स्त्री ने अपने बेटे को आते हुए देखा। वह देखने में ही बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखिए चौथी स्त्री ने कहा था ना कि मेरा बेटा तो न गंधर्व सा गायक है न बृहस्पति सा बुद्धिमान है पर न ही भीमसा बलवान। तो चौथी स्त्री का बेटा कैसा था? वह देखने में ही बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी कि स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा यह बहन यही मेरा लाल। चौथी स्त्री ने क्या कहा कि यही है मेरा लाल। उस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा। चौथी स्त्री उसके बारे में कुछ बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। क्या हुआ कि सामने से जब चौथी स्त्री का बेटा जब आ रहा था वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसने उन तीन स्त्रियों से कहा चौथी स्त्री ने तीनों स्त्रियों से कहा कि यही है मेरा लाल। वह अपने बेटे के बारे में कुछ बता ही रही थी कि बेटे ने आकर एकदम बेटा माँ के पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला माँ लाओ मैं तुम्हारा गला घर पहुंचा दूं। देखिए कि क्या हुआ
कि जैसे ही माँ बेटे के बारे में कुछ बता ही रही थी कि बेटा एकदम माँ के पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह अपनी माँ के पास ही रुक गया और बोला, तुरंत ही वह बोला कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुंचा दूँ। मना करने के बाद भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखिए कि क्या हुआ, अपनी माँ को देखकर वह जो बालक था, 34 दिन का जो बेटा था, वह रुक जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हारा घड़ा मैं घर तक पहुँचा दो। उसने यानी कि उसकी माँ ने मना किया कि नहीं बेटा मैं ले जाऊंगी, लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद भी वह माना नहीं और माँ के सिर पर से घड़ा अपने सिर पर रखकर फिर चलने लगा, घर की ओर चलने लगा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से 34 दिन के बेटे को देखती रही। देखिए कि तीनों स्त्रियों जो थी उन लोगों के बेटों ने क्या किया था कि अपने माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और 34 दिन का बेटा उसमें कुछ भी, यह सारे जो तीनों स्त्रियों में जो गुण थे उनमें से एक भी गुण उस 34 दिन के बेटे में नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के पास खड़ा हुआ यानी कि आ गया और माँ के सिर पर से घड़ा उतार कर घर पहुँचा दिया मना करने के बावजूद भी। तो ऐसा दृश्य देखकर तीनों स्त्रियों बड़े ही आश्चर्य से 34 दिन के बेटे को देखती रही, आश्चर्यचकित रह गई, उनका मुंह खुला ही रह गया कि हमारे बेटे ने तो ऐसा कुछ नहीं किया और यह स्त्री ने तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, हमने तो अपने बेटे के बारे में कितनी प्रशंसा की थी लेकिन यह स्त्री ने तो बिल्कुल भी अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने कुछ न कहकर भी बहुत ही कुछ ही कह दिया। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चली हुई इनकी बातें सुन रही थी। अब हुआ क्या, जब से कुएं की चबूतरे के पास बैठी यह चारों औरतों ने बातें अपने बेटे पर शुरू की थी, तब से लेकर एक वृद्ध महिला जो थी यह चारों औरतों के पीछे चली आ रही थी और चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी। बहुत देर से यह चारों औरतों की बातें सुन रही थी। तो जब यह वृद्ध महिला पीछे चली आ रही थी तो पास आकर बोली, वह वृद्ध महिला चारों औरतों के पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। जो वृद्ध महिला चारों औरतों के पीछे चली आ रही थी यह सारी बातें जो उसने दृश्य भी देखा और सुना भी, तो पास आकर फिर बोली कि देखती क्या हो, तीनों स्त्रियों से कहने लगी कि तुम ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्या देखती हो, यही है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा तो यह 34 स्त्री के बेटे को ही कहते है, क्योंकि आपके बेटे में भले ही ज्ञान हो, बहुत ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ हो, भले ही वह सर्वशक्तिमान हो या उसे बहुत याद रह जाता हो, उसका कंठ भी कितना ही मधुर हो, लेकिन इन सारी बातों को अगर आचरण में न उतरा जाए तो वो किसी भी काम का नहीं होता। और सच्चा हीरा तो इसे ही कहते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। भले सीधे साधे और सरल प्रकृति का लग रहा 34 स्त्री का बेटा, लेकिन अपनी माँ की यानी अपनी माँ की जो बराबरी, अपने बेटे की बराबरी, इस बेटे की बराबरी किसी के साथ भी नहीं की जाती, पर इसे ही हम सच्चा हीरा कह सकते हैं, यानी कि अच्छा आदमी हम इसे ही कह सकते हैं। तो इस प्रकार 34 स्त्री का बेटा सच्चा हीरा साबित हुआ था। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारी सच्चा हीरा कहानी जो आपने देखा कि किस प्रकार चारों स्त्रियों के बेटों में अलग अलग तरीके के गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पाठ के आधार पर आए हुए विरोधी शब्द लिखेंगे। Yeah.
या कमिटेड शायद पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, पाठ के आधार पर हम जाने तो स्वाध्याय का प्रश्न एक, उसमें उसका जो प्रश्न एक है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है, वह बहुत ही मधुर गाता है, अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा मीठा दे। यह प्रश्न एक का जवाब हुआ। प्रश्न दो, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। प्रश्न त्रण, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। प्रश्न चार, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न बीन सा भगवान है, न बृहस्पति सा बुद्धिमान है, मैं उसकी क्या प्रशंसा करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। अब इस स्वाध्याय का प्रश्न दो है, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, यह वाक्य कौन किसे कहता है यह आपको बताना है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि यही सच्चा हीरा है, तो पाठ के आधार पर यह वाक्य कौन किससे कहता है? यही सच्चा हीरा है, तो यह वाक्य चारों औरतों के पीछे आती वृद्ध महिला ने तीनों औरतों से कहा। दूसरा नंबर का जो वाक्य है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं, यह वाक्य कौन बोलता है? तो चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है, यह वाक्य चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरे नंबर का जो वाक्य है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तो यह वाक्य पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है, पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। चौथे नंबर का वाक्य, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, यही है मेरी गोद का हीरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कह रही है। पांचवे नंबर का, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, यह वाक्य दूसरी स्त्री तीनों स्त्रियों से कह रही है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको यह सारे प्रश्न के जवाब भी तैयार करने हैं, साथ ही साथ आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वीडियो देखकर आपकी परीक्षा में पूछाने वाले या यूनिट टेस्ट में पूछाने वाले, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप उनमें से उत्तर पा सकेंगे और समझ सकेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा।